सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे का दिन, 5 फरवरी है और अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के नहीं, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं। और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर में आज सब लोग तो उठ गए होंगे आई थिंक, मुझे लगता है। लेकिन मैं 10:30 बजे उठा हूँ और उसके बाद से इधर उधर करते करते काम कंप्लीट करते, तो वीडियो का काफ़ी काम पेंडिंग था तो वही सब कर रहे थे अभी। उसको करने के बाद में अब ब्लॉग स्टार्ट किया है। और अभी भाभी लेकर के आई थी एक कबूतर, तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं वो, क्योंकि उसको चोट लग गई है काफ़ी ज़्यादा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो सारी चीज़ भी दिखाते हैं। यहाँ पे अभिषेक भी बैठे हुए हैं, इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये कर रहे हैं अपनी क्लासेस सुबह से। और ऊपर कबूतर का ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं कर रहा था वीडियो एडिटिंग। मिलते हैं कुछ देर में और दिखाते हैं आपको कबूतर का कैसे इलाज हो रहा है। तो गाइस अभी एक एक कबूतर है जंगली वाला आ गया है, चोट लगी हुई है इसको, गिर के नीचे बैठा है। इसको उठवा करके रखते हैं छत पे। ये अथर भी मेरे साथ हैं, डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसकी चोंच में चोट लगी हुई है। इसको चोट लगी हुई है और मुझे लग रहा है कि शायद इसको पकड़ने से भी पेन होगा, इसलिए अपने आप से नहीं पकड़ना है अचानक। चोंच में ब्लड आया हुआ है इसको, ये डर डर भी रहा है। अभी इसको पार्क में बैठाया गया है लेकिन चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है चोंच में, चोंच में इसका खून आ रहा है। थोड़ी देर यहाँ बैठता है, देखते हैं कि उड़ ना जाए। तो गाइज अभी धूप हो रही है छत पे बहुत ज़्यादा और इसको ला करके हम लोगों ने अभी छत पे रखा है इसको टब के अंदर में, और भाभी पकड़ के इसको लाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और इसके हाथ में पंखों में चोट लगी हुई है, तो इस वजह से इसको बहुत आराम से उठाना था। अभी टब के अंदर रख दिया है, पता नहीं इसको चोंच में भी चोट लगी है, देखो पंख भी टूटे हुए हैं, चोंच पे चोट लगी। इसको चावल दे दो खाने के लिए, चूरा भी डाल दो खा लेगा, चावल और दाल वाल। हाँ लिया। तो इसको चावल के दाने डाल दिए हैं अभी और बोल रहा है इसको दर्द हो रहा है, चोंच में काफी चोट लगी हुई है। बहुत प्यासा था, इसको पानी पिलाया जा रहा है अभी और पी भी रहा है पानी। कबूतर रो रहा है क्या? उसकी आंख में चमक रहा है, ऐसी उसकी आंखें ऐसी हैं और नहीं, इसका आंख में पानी है देखो। हाँ तो रो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा उसको। छोड़ दो, अपने आप पी लेगा। अरे वो पी गया देखो पानी। देखो रो रहा है ज्यादा, मुझे लग रहा है इसको दर्द हो रहा है क्योंकि तेज से नहीं था पानी। देखो बाहर पानी, देखो पानी आ रहा है ऊपर ही नहीं। तो गाइज अभी इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, पानी और दाना चावल दोनों डाल दिया है, थोड़ा सा पानी इसने पी लिया है, तो चलते हैं अभी, इसको यहीं पे बैठे रहने देते हैं। सो गाइज अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी साफ सफाई करके, आज रूम बहुत ज़्यादा गंदा था, संडे का दिन था लेकिन सुबह लेट में उठने की वजह से सफाई नहीं हो पाई थी,
अभी मैंने शाम को उठ करके फिर साफ सफाई करके अब जो है नहा वहा के फ्री होकर के बैठे हैं, और वीडियो का काम चल रहा है, फिर लैपटॉप पे सारा प्ले करके रखा हुआ है अभी एडिटिंग वगैरह। साथ साथ में अभी कबूतर की बात करें तो जंगली कबूतर आज आ गया था, वो अभी भी है वहीं पे क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा, उसको बहुत ज़्यादा चोट आई है, शायद उसके पंख वगैरह में भी चोट है इसकी वजह से, तो अभी भी वो इस वजह से उसी में वहाँ पे टब में उसको मैंने जहाँ पे रखा था वहीं रखा हुआ है, और देखते हैं उसकी चोट में कब तक आराम मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो वहीं पे रहेगा, उसको दाना पानी देते रहेंगे। फिलहाल ब्लॉग में आज इतना ही, बहुत छोटा सा ब्लॉग है ये, इसमें ज़्यादा कुछ आज नहीं था। होप सो आपने कल फेयरवेल वाला ब्लॉग इन्जॉय किया होगा, नहीं किया है तो जा कर के चैनल पर देखिए, और शादी वाले वीडियोज़ को भी जा कर के पूरा वॉच करिए, बहुत सारे वीडियोज़ अभी अपलोड हैं चैनल पर। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।